इतना गौर से फोटो के काहे देखत हारू? ये फोटो में हमारे जीवन के मकसद जुड़ल बा तोहरा रूप में। ये फोटो में तारा जीवन के मकसद जुड़ल बा और तोहरा में हमरा जीए के मकसद जुड़ल बा। हेलो ठाकुर, अब तो टाइम खत्म। अब तो टाइम खत्म। ससुरा घड़ी घड़ी फोन करके हमरा बीपी और डायबिटीज हाई कर दिया है, दवाई दे। पहली और भारत माता के रक्षक, खाली माता का रक्षा होई, बाप का रक्षा ना करबे। तनी खोल के देख अपन व्हाट्सएप। भाऊजी फोन तो उठावा। ठाकुरई का दलदल में बड़का बड़का लोग धस के पताल में चल गए ना लोग। तोर का औकात रे, बचा ले अपन माई के, अपन बाप के और अपन बहिन के। जियो रे ठाकुरबा, आज दिखा दिया अपना ठाकुराई। नेताजी रउए छत्र छाया बा, रउए माया बा। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। लो अभी कौन मर गया है? मरे दा लखनऊ के काशीपुर के महिला आश्रम पर सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा। मैं एक फौजी हूँ,
अगर आम आदमी होता तो सच्चाई बताने से पहले मार दिया गया होता। और यही कारण है कि इस खुलासे के चश्मदीद गवाह रूबिका को मैं सुरक्षित छुपा के रखा और मैं खुद सामने आया। वो बालिका गृह जो बेसहारा मजबूर बालिकाओं का सहारा था, आज शमशेर ठाकुर और उसके चंद नेताओं का आयासी का अड्डा बन चुका है। वहाँ रोज मासूम लड़कियों के साथ बलात्कार होता है और उन्हें मारकर अंदर ही दफना दिया जाता है। और इस घिनौने कारनामे में ठाकुर और नेता ही नहीं, चंद पुलिस अफसर भी शामिल हैं, जिनसे हम नागरिकों की सुरक्षा की उम्मीद करते हैं। इसलिए मैंने सारी जानकारी और सारे सबूत पुलिस हेडक्वार्टर भेज दिए हैं और मुझे उम्मीद है इस पे उचित कार्रवाई जरूर होगी। बड़े पैमाने पर यहाँ पर देव व्यापार हो रहा था। नेताजी से मीडिया ने तमाम तरीके से सवाल पूछे, मगर नेताजी उन सवालों से बचते हुए नजर आए और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। उनकी चुप्पी ये बता रही थी कि कहीं न कहीं से पूरी तरह से वो इस जिस भरोसे के धंधे में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर नेताजी ये जो कर रहे थे, इनकी करनी की सजा इन्हें कब मिलती। कैमरा पर्सन रवि के साथ फरीदुल हसन, ONN न्यूज़, लखनऊ। आज आपको इस नर्क से आजादी पाकर कैसा लग रहा है? ऐसा लगा था जैसे हमार नया जन्म भइल बा। इससे पहले आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की? जे भी कोशिश करत रहे वो मार दिए जात रहे। वो तो न जाने भगवान कहाँ से एगो फरिश्ता भेज देले जे इन नरक से हमनी सबके आजादी दिलवाई लस। अब वो है हमनी खातिर भगवान बड़े। मैं माँ कुछ कहना चाहेंगी? किस्मत वाला है वो माँ बाप जिनके ऐसा औलाद भइल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का कि आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और आपके सहयोग के कारण ही एक बहुत बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ। थैंक यू सर। हम अपन बबुआ के कितना गलत समझें। अपना गलती पर आज बड़ा पछतावा होता बेटा। हमनी के बड़ा किस्मत वाला बानी सा कि तोहरा ऐसन बेटा हमनी के नसीब भइल। बड़ी गलती भइल हमरा से। आज तोहरा की अपन बेटा कहे में और अपने आप के तोहर बाप कहे में शर्मिंदगी ना बेटा, गर्व महसूस होता। बेटा तोर बिना सब सुना बा, चल अब घरे चल। खाली अकेले मत आई हो, हमरा पतोह के भी लेके आई हो। ठीक बाबू जी। हाँ। चल। आ जाइया। ठीक बा।